भाई साहब ये था जबरदस्त डांस। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो आप देख रहे होंगे हमने आज नया कुर्ता पहना हुआ है, इसमें राधे राधे पूरा लिखा हुआ है। बोलो तो कल ही अपना शर्ट ले लिया था और आज क्रियांश के लिए जो है नया कुर्ता है। और कल जो है मामा ने ही यह शर्ट दिया था बोलो को, जो पहन लिया। क्रियांश का दो दिन हो गया राधे राधे वाला कपड़ा, और अलग अलग दिन हो गया अलग अलग तरह का कपड़ा, तो काफी अच्छा रहा। और फिलहाल हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं जन्मभूमि। वैसे हम लोग निकलने वाले थे सुबह के 5 बजे, ये थोड़ी सी लेट हो गई है, अभी बज गए सुबह के 6। लेकिन जैसा कि सुना है कि आज उतना रश नहीं रहने वाला है, तो उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो और हम लोग जो है आराम से जा करके वहाँ पर दर्शन कर सके। ये भी तैयार हो गया है क्रियांश, तो देख सकते हैं इसका यह ड्रेस, एकदम धोती कुर्ता पहना हुआ है, पंडित जी बना हुआ है, पंडित जी बना हुआ है, जाएगा पूजा करने। हम लोग यजमान है इसका, बिल्कुल पंडित जी है। चलेगा चलेगा जिया का भी तैयार होने का प्रक्रिया लगता है जारी है। बेटा को तैयार किए, बेटा को खिलाए, बेटा पोटी किया, उजाब किए, आप तो बस उठ के तैयार हो। हम बैठ के एडिट किए और क्या किए। अच्छा वो तो उधर है, उधर है, उधर किधर? ए मेरा क्रियांश कहाँ गया? अरे बाप रे, हम सोचे कहाँ चला गया। अभी चलने वाला नहीं है, तब बोली कहाँ चला गया। तो इधर है हमारे लड्डू गोपाल और इधर है मम्मी के, देख सकते कितने सुंदर सुंदर। इधर नहीं, उधर नहीं, इधर है हमारा शिवांश जो बहुत बहुत क्यूट लग रहा है। इधर पूजा है, हैं बहुत सुंदर लग रही है एकदम। थैंक यू रुद्र भाई और पति देव, दोनों ने सेम सेम ड्रेस लिया है। इधर मोलू है, इधर लॉक किए वो वाला गाड़ी लॉक किए। मैं लड्डू गोपाल, मेरा लड्डू गोपाल आपका वहाँ है, छुटकू लड्डू गोपाल आपका यहाँ है। हाँ मेरा यहाँ है, चलो ठीक है, हम लोग बाहर निकल गए हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और सीधा चलते हैं जन्मभूमि। पीछे से सूर्य की रोशनी आ रही है, इसलिए शायद आपको हमारा चेहरा जो है थोड़ा सा डर के दिख रहा होगा। सभी लोग जी हंसते खेलते हुए निकल रहे हैं जन्मभूमि की तरफ और हम लोग जो है अभी ऑटो से जा रहे हैं। पहले तो सोचा था कि हम लोग चले जाएंगे अपनी गाड़ी से, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि वहाँ पर पार्किंग का क्या सीन है, तो हम लोग जो है ले लिए ऑटो। और ऑटो से भी जाने का जी अलग ही मजा होता है। और रास्ते में जी खूब गप्पे सप्पे मार रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे, राधे राधे के नारे से, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, यह सब नारा लगाते हुए सभी लोग जा रहे थे। और बीच रास्ते में ही हम लोगों को माता वैष्णो देवी धाम मंदिर भी मिल गया, तो वहाँ भी हम लोग दर्शन कर लिए। हम लोग पहुंच गए जन्मभूमि, ऑटो वाले भैया से वहां बात कर रहे हैं कि हम लोगों को जो है गोकुल भी छोड़ दे और गोकुल से जो है सीधा हम लोगों को वृंदावन भी छोड़ दे। तो एक पूरा पैकेज का बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या बात बनती है। यहां पर जी आते ही हम लोगों ने सीधा चंदन लगवा लिया राधे राधे का, इसके बिना जो है मथुरा वृंदावन में घूमना अधूरा लगता है। और यहाँ क्रियांश भी लगा लिया है, हैं मेरा बार बार राधे राधे लिखा है उस पर हमला करता है, मिटा दे गए। राधे राधे। तो हम लोग रास्ते में है जी जन्मभूमि, जो है हम लोग कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। इससे पहले जो है यहाँ पर लड्डू गोपाल खरीदा जा रहा है, हम लोगों के पास तो लड्डू गोपाल पहले से ही, रुद्र भाई और सीधा जी वो लोग देख रहे हैं लड्डू गोपाल, एक अच्छा सा उनको मिलता है पीतल का। शिवांश को तब सब कोई भूल जाएगा, है कि शिवांश? आपके प्यारे लड्डू गोपाल ने लिया अभी ये वाली ज्वेलरी जो कि मुझे बहुत पसंद है। शिवांश इधर बैठ के स्टिंग पी रहा है, स्टिंग का खाली बोतल है, स्टिंग उसमें है। हाँ, कुछ नहीं है, उसको खेलने के लिए बोतल मिल गया, बेचारा काम पे लगा हुआ है। इधर शिवांश भी है, ये तो पूरा राधे राधे मिटा लिया है। तो मम्मी कैसा लग रहा है बताइए, कितनी एक्साइटेड है? बहुत अच्छा,
तुम्हारे कान्हा जी को देख के लग रहा है लेके भाग जाए। हमारे कान्हा जी तुमको लेके भागेंगे तो नहीं भागेंगे। तो फाइनली इनकी शॉपिंग हो गई और हम लोग चल रहे हैं जन्मभूमि के अंदर, और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा दुकान लगा हुआ है। तो अंदर जो है मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो मोबाइल को जो है यहीं पर जमा करना होगा। तो जा करके जल्दी से सभी लोग वहां पर लाइन लगते हैं और अपना जो है मोबाइल जल्दी से जा करके जमा कर सकते हैं। और मोबाइल क्या, मोबाइल के अलावा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सब कुछ अंदर में जमा करना होगा। 3 hours later. हम लोग मंदिर का दर्शन करके बाहर आ गए और क्रियांश को बहुत तेज भूख लग गई थी तो हम लोग जल्दी से आ गए बाहर। बाद जो है अब यहाँ से हम लोग चलेंगे गोकुल, लेकिन गोकुल जाने से पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ भी खाना नहीं खाया हुआ है और लगभग हो चुका है कितना 12-1 बज चुका होगा। सुबह ही निकले थे हम लोग, तो जल्दी से हम लोग अपना खाना खाते हैं फिर चलते हैं। और क्रियांश को लगता है दूध पी करके सो जाएगा, अगर नहीं सोएगा तो दिक्कत होगा घूमने में। तो हम सभी जी बाहर निकल गए हैं और यहाँ से सीधा जा रहे हैं हम लोग इस्कॉन टेम्पल, और इस्कॉन टेम्पल घूम करके हम लोग जो है फिर लौटते समय जो है बांके बिहारी मंदिर जो है वहाँ होते हुए आएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो आरती देख लेंगे रात 8-8:30 के बीच जो आरती होती है तो आरती देखेंगे। बिल्कुल, तो वो आरती देखेंगे और आरती देख करके आएंगे। और बाकी क्रियांश जो है अपने मामा का शर्ट पहन लिया है, और क्रियांश की मामा जो है अभी किधर गायब हो गए हैं, शायद कुछ लोशन या मॉइस्चराइजर या कुछ लेने गए थे, तो हम लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं और उसका जो है नंबर पर कॉल कर रहे हैं तो कॉल भी नहीं लग रहा है। तो क्रियांश आ गया अपने पापा की गोद में, है ना, जहाँ भी घूमते हैं ये जो है मेरी गोद में आ जाता है। अभी फिलहाल इसके मामा है तो गोद जो है शेयर हो जाता है, मम्मी की गोद में ज्यादा देर टिकता नहीं है ये। वो देखोगे अपने काका को, वो देखो क्या तुम काका जी। तो जिस मोलू का इंतजार कर रहे थे वह मोलू साहब जो है आ गए हैं, और क्या लेने गए थे निकालना? राधे राधे, राधे राधे का एक और शर्ट और 2 शर्ट ब्लैक कलर में ऑर्डर दे के आए हैं, कल मिलेगा। अच्छा कल मिलेगा, वाह बढ़िया है। क्या चले क्या रुद्र भाई, लग रहा है सेटिंग कर रहे हैं, क्या हुआ काम नहीं कर रहा है, क्या हुआ रास्ता है। और जैसा कि मैंने सुना है यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, रिक्शा मिल कहाँ रहा है? रिक्शा मिले तो चल ले रिक्शा कर ले। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर के अंदर अब हम लोग जा रहे हैं, और हम तो अपना चप्पल सब कुछ घर पर ही उतार करके आ गए, घर के होटल पर उतार करके आ गए थे। मोलू का जूता है उसको अपना उतारना होगा, मम्मी का भी चप्पल है उसको भी उतारना होगा। अंदर है जूता घर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बोर्ड में, वहाँ भी निशुल्क। तो चलते हैं। टेम्पल टाइमिंग है 4:10 से 12:45 और 4:30 से 8:45। चलिए तो हम सही टाइम पर पहुँच गए हैं यहाँ पर। चलो चलो तो हम लोग पहुँच गए इस्कॉन टेम्पल के अंदर, और बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा है तो सभी लोग चलते हैं। तो अंदर से हम लोग घूम करके आ गए हैं और अब चल रहे हैं इस वाले बिल्डिंग में, और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और क्रियांश मम्मी को परेशान किया हुआ है, मम्मी के इसके आगे जो आता है उसी का बाल खींच लेता है, मार खिलवाएगा मामा को। तो सभी के हाथ में यह एक बोर्ड दिया गया है जी, जिसमें मंत्र दिया हुआ है, इसी मंत्र का हमें जो है जाप करना है। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे कमल का फूल मिलेगा तो चलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भाई साहब ये था जबरदस्त डांस। डांस करने के बाद दोनों इधर उधर लुढ़क गए। ओह भाई साहब यहाँ पर गजब डांस चल रहा है। इस्कॉन टेंपल तो हम लोग घूम लिए थे और इस्कॉन टेंपल में दर्शन करने के बाद जो है हम लोग जाने वाले हैं वहाँ के बिहारी जी की मंदिर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया बिल्कुल। जब हम लोग जन्माष्टमी बिल्कुल यहाँ जैसा वाइब जो है जी पूछिए मत, बहुत ज़बरदस्त माहौल था, मज़ा आ गया। जब हम जन्माष्टमी में जब आए थे वैसा ही माहौल अभी भी लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों में से कोई अंतर हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो मज़ा आ गया जी। आज यहाँ से चलते हैं बांके बिहारी के मंदिर। और क्रियांश भी बहुत इन्जॉय किया, खूब इन्जॉय किया, देख सकते हैं अभी भी इन्जॉय में ही है। हाँ हाँ बिल्कुल।